हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हनी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे भाई, जैसे आपका भाई बढ़िया है। तो भाई पहले आप सोच रहे होंगे कि मेरी हंसी क्यों आ रही है, वो भी मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। तो भाई फाइनली आज मैं आराम से बैठा था, खाना खा के आराम से बैठा था, तो भाई मैंने देखा कि भाई ये अपडेट कौन सा रोल आउट किया गया हमारे व्हाइट वाले मोबाइल के लिए। तो भाई जब मैंने देखा एंड्रॉइड 11 का अपडेट भाई फाइनली रोल आउट कर दिया गया है हमारे व्हाइट वाले मोबाइल के लिए, जो कि मुझे रिसीव हो चुका है। तो भाई पहले तो मेरी आंखों पे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि आंखें तरस गई थी भाई एंड्रॉइड का अपडेट पाने के लिए। एंड्रॉइड 10 की न्यूज थी कि एंड्रॉइड 10 मिलेगा पहले, तो भाई फिर न्यूज आई कि एंड्रॉइड 11 मिलेगा। तो फाइनली एंड्रॉइड 11 रोल आउट हो चुका है भाई, जो कि वाकई में दमदार बात है। तो भाई जो इसका वर्जन है वो बताना चाहूंगा, 6.71.49 सीरीज का अपडेट रोल आउट किया गया है, जो कि एंड्रॉइड 11 का अपडेट है भाई। भाई बात पूछो मत यार, खुशी का ठिकाना नहीं है। आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 11 का अपडेट डाउनलोडिंग मैंने लगा रखा है भाई, लगभग 12% डाउनलोड हुआ है। थोड़ी सी इस टाइम इंटरनेट स्पीड स्लो आती है, तो लगभग भाई 1 घंटा इसमें लगेगा डाउनलोड होने के लिए, 1.5 घंटा, क्योंकि 3.68 GB का अपडेट रोल आउट किया गया है। अब इस अपडेट के अंदर आपको नए फीचर्स मिलने वाले हैं भाई, जो कि वाकई में एक दमदार बात है भाई। इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता यार, एंड्रॉइड 11 का अपडेट हमारे व्हाइट वाले मोबाइल के लिए रोल आउट कर दिया गया है। तो बस अगर अभी तक आपको अपडेट नहीं मिला, जस्ट भाई वेट कर लो, मार्च तक सभी को अपडेट रोल आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि अपडेट होना रोल आउट होना स्टार्ट कर दिया गया है। मार्च तक सभी डिवाइसेस के लिए अपडेट रोल आउट हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर हमें फीचर्स नहीं मिलेंगे, थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं, बाकी अपडेट इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और चैनल बनाइए तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, आपका भाई ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आता रहता है आपके लिए। तो देखो होम स्क्रीन की ऑप्टिमाइजेशन की जाएगी भाई, डाइनिंग इफेक्ट्स वगैरह, वेदर, गूगल सर्च और स्मार्ट मिररिंग भाई, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और मतलब परफॉर्मेंस जो स्टेबिलिटी है हमारे डिवाइस की एंड्रॉइड 11 आने के बाद भाई एक नंबर होने वाली है। अब आप देख सकते हैं अपडेट डाउनलोडिंग हो रहा है, जैसे डाउनलोड हो जाता है उसके बाद तुरंत से सारी डिटेल आपको दे दूंगा, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है उसको करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट है 3.68 GB के अपडेट की। ओनली डाउनलोडिंग कम्प्लीट होने के बाद जो हमारा वेरीफाइंग अपडेटिंग पैकेज, यहाँ पर हमारा डिवाइस एंड्रॉइड 11 के अंदर भाई बूट होने वाला है बहुत ही जल्द। अभी यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आपको 3.68 GB का डाटा चाहिए, जिसका वर्जन है 6.71.49 सीरीज का। ये अपडेट रोल आउट किया गया है, एंड्रॉइड 11 का अपडेट है व्हाइट वाला मोबाइल के अंदर। यहाँ पर जस्ट वेट, थोड़ा सा टाइम आपको लगने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा अपडेट है तो इसको इंस्टॉलिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आप देख सकते हैं हमारा डिवाइस बूट हो चुका है, और जल्दी से भाई बूट होने देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू वीडियो पर आते हैं, सारे डिटेल आपको दूंगा भाई, क्या क्या नए फीचर्स हमें इस वीडियो के अंदर मिले हैं, इस अपडेट के अंदर मिले हैं, और भाई नए नए आइटम्स और कौन से पैचेस इंप्रूव किए गए हैं, क्या चीज हमारे व्हाइट वाले मोबाइल के अंदर इंप्रूव की गई। तो आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग अपडेट पैकेज, तो जल्दी से इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है भाई वीवो का व्हाइट वाला मोबाइल, एंड देन आपको मॉडल नंबर भी दिखा दूंगा जिससे। तो फ्रेंड्स डिवाइस ऑन हो चुका है, और भाई यहां से यहां पर ऑन हो चुका है, और अब यहां पर जैसे ही मैं लॉक करता हूं, लॉक का जो लेआउट है वो टोटली चेंज हो चुका है अपडेट होने के बाद। तो चलिए मैं इसको अनलॉक करता हूं यहां पर, और भाई अनलॉक करते ही भाई क्या डायनेमिक इफेक्ट हमें मिला। और भाई एक बात है, जब आप डिवाइस को अपने हाथ में लोगे ना एंड्रॉइड 11 अपडेट इंस्टॉल करने के बाद, एक अलग ही फील आपको मिलने वाला है भाई, एकदम डायनेमिक इफेक्ट लाइट मिल रही है भाई, काफी स्मूथ, काफी सॉफ्ट लाइट मिल रही है भाई, देखने में काफी अट्रैक्टिव। एंड देन बात की जाए भाई स्मूथनेस की, तो भाई इसको स्मूथनेस तो भाई 100% भाई, क्या मस्त भाई, मजा ही आ गया भाई अपडेट इंस्टॉल करने के बाद। तो चलिए भाई फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं, क्या फीचर्स मिले हैं। सबसे पहले जब अपने डिवाइस को आप अनलॉक करोगे, जब अपडेट हो जाएगा डिवाइस, सबसे ऊपर की तरफ आपको सारा लेआउट आपका चेंज मिलेगा। जस्ट वेट फ्रेंड, थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करता हूं। यहां पर भाई जो यहां पर हमारा सिग्नल आइकन है वो काफी स्मॉल हो चुके हैं, एंड देन वोल्टेज आइकन जो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता था वो भी छोटा हो चुका है। बाकी उसके अंदर भी हल्का सा इफेक्ट चेंज किया, बैटरी का इफेक्ट चेंज कर दिया गया है, मतलब कि ऊपर के स्टेटस बार के सिग्नल आइकन्स हो गया उसको थोड़ा स्मॉल किया गया है, काफी यूनिक कर दिया गया है भाई, काफी अट्रैक्टिव लगता है देखने में, जो कि वाकई में एक दमदार बात है भाई, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको काफी स्मॉल आइकन पैक्स मिल रहे हैं, जो कि भाई अट्रैक्टिव लग रहे हैं देखने के अंदर। एक डिवाइस जो होता है ना भाई एंड्रॉइड 11 के ऊपर अगर डिवाइस को अपग्रेड किया जाता है
वो भाई फील टोटली आ रही है भाई। अब की बार तो अपडेट के अंदर भाई वीवो ने ना कमाल कर दिया भाई, मजा आ गया भाई अपडेट करके, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फाइनली भाई अपडेट रोल आउट हो चुका है, इंस्टॉल भी कर लिया भाई, बहुत मजा आ गया भाई, पूछो मत भाई, खुशी का ठिकाना नहीं है। एंड्रॉइड 10 को सीधा गोली मारी एंड्रॉइड 11। तो चलिए भाई फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेन चीज जो भाई जिसका था भाई इंतजार, टोटल सेटिंग लेआउट चेंज कर दिया गया है भाई। टोटल जितनी भी सेटिंग है सारा लेआउट चेंज है भाई, आप देख सकते हैं टोटली चेंज। सेटिंग्स के सारे आइकन पैक्स की शेप्स चेंज कर दी गई है भाई, टोटली सारे आइकन पैक्स चेंज है। डिफरेंट थोड़े से मतलब फंक्शनिंग में डिफरेंट थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है कुछ। यहां पर एक चीज दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, देखो आप यहां पर सब कुछ चेंज कर दिया गया है। यहां पर भाई ड्यू सिम मेमोरी कार्ड वगैरह सब कुछ यहां पर ये चेंज है। लेआउट अदर नेटवर्क एंड कनेक्टिविटीज के अंदर भाई आपको फीचर्स मिले हैं, ऑटो एंड्रॉइड स्मार्ट मिररिंग आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहां पर। इसके अंदर भाई आपको यहां पर वाईफाई सेटिंग्स वगैरह, लोकल फाइल्स मिररिंग, सर्च फॉर स्पॉटेड डिवाइसेस, वीडियो मिररिंग, इमेज मिररिंग, म्यूजिक मिररिंग भाई सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं भाई। ये वाकई में दमदार बात है भाई, मजा आ गया भाई अपडेट इंस्टॉल करने के बाद। अब यहां पर आपको यहां पर थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहां पर जस्ट आप ध्यान से देखो एंड्रॉइड ऑटो का फीचर्स भी आपको मिल चुका है भाई, कोई इशू नहीं है, इजिली भाई वर्क करता है, सभी फंक्शनिंग वर्केबल है आप देख सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो को पहले मैप यहां पर आपको अपडेट आ रहा है, इसको चलो अब हम बाद में अपडेट कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर मैं चलता हूं यहां पर भाई, सबसे मेन चीज आपको दिखा देता हूं, जैसे हम अबाउट फोन वगैरह चेक करते थे उसको सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर रखा गया है, ऊपर की तरफ अबाउट फोन आपको मिल जाता है। अबाउट फोन के अंदर भाई यहां पर आप देख सकते हैं फनटचस 9 सीरीज के अंदर ही आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिला है। मैंने बोला था भाई वीडियो के अंदर फनटचस 9 सीरीज के अंदर ही आपको मिलेगा, आई होप नेक्स्ट अपडेट्स के अंदर कुछ अपडेट्स आएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। एंड्रॉइड 11 आ चुका है भाई, आप देख सकते हैं मॉडल नंबर वीवो 1904 जो कि वीवो Y12 मोबाइल का है। यहां पर भाई एंड्रॉइड 11 आ चुका है भाई हमारे Y12 मोबाइल के अंदर, जो कि वाकई में भाई दमदार बात है भाई। इसका वेट था भाई, देखो आ गया, अब टेंशन मत लो भाई, सभी को मिल जाएगा यार। मार्च के एंड तक वेट करो, सभी डिवाइसेस के लिए रोल आउट किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहां पर इसके अंदर हमें चेंज क्या मिला है भाई, मैंने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया था वो भी चेक करेंगे। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस कर दिए गए हैं January 2021 के, जो कि वाकई में भाई दमदार बात है। बाकी भाई यहां पर हार्डवेयर वर्जन नंबर आ चुका है, आप देख सकते हैं पहले शो नहीं होता था, अब हार्डवेयर वर्जन नंबर है MP0.1 भाई, यहां पर आप देख सकते हैं हार्डवेयर वर्जन आ चुका है। सॉफ्टवेयर वर्जन भी चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे। तो चलिए भाई मैं यहां पर मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था उसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं, क्या हमें क्या क्या फीचर्स मिले हैं। जस्ट वेट, यहां पर भाई दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स कहां पर वो स्क्रीनशॉट रहा, जस्ट वेट फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पर बेस बैंड वर्जन है जो मंथली, यहां पर 12A R2.MP वर्जन 56P149। अब अगर आप वर्जन चेक करो डिवाइस के लेटेस्ट, यहां पर आप देख सकते हैं सेटिंग मैंने ओपन कर लिया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहां पर जो वर्जन है R12A R3.MV136 वर्जन कर दिया गया है, जो कि 6.P17 भाई। बेस बैंड वर्जन भी चेंज हो चुका है, डिवाइस काफी लेटेस्ट हो चुका है भाई, तो अब तो भाई बात बनती है। बाकी चलो देखते हैं यहां पर क्या चेंज किया गया है। कर्नल वर्जन 4.9.117 प्लस है, यहां पर भाई आप देख सकते हैं जो सिस्टम का है वो भी भाई टोटली चेंज हो चुका है, 4.19.127 आगे GA72 E6A DF9 एंड डर्टी, यहां पर कर्नल वर्जन भी चेंज हो चुका है भाई। टोटली डिवाइस की सारी सेटिंग सब कुछ चेंज हो चुका है, जो कि वाकई में दमदार बात है भाई। आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 11 का अपडेट रोल आउट हो चुका है भाई, टेंशन ना लो भाई, देखो अपडेट भी मिल गया यार, कब तक वेट कर रहे थे कब तक मिलेगा, मिल गया भाई अपडेट। तो चलो फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं भाई, अब यहां पर चलते हैं सिस्टम अपडेट के अंदर। जस्ट वेट, थोड़ा सा मैं बैक की तरफ करता हूं, यहां पर भाई सिस्टम अपडेट पर मैं टैप करता हूं, जो कि वर्जन है भाई हमारे जो अभी इंस्टॉल हुआ है करंट वर्जन है फनटचस 9 सीरीज का है भाई, और 6.71.49 यहां पर मैं इसको टैप करता हूं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो भाई, ये अपडेट इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले ऊपर में आपको एक ना विंडो का साइन मिलता था जो पिछला अपडेट था, पहले अपडेट था, अब वो साइन नहीं मिलता। यहां पर टैप करते हैं सेटिंग्स के अंदर, यहां पर आप नॉर्मल जो हमें पहले मिलता था वही है, यहां जो साइन का एक ऑप्शन था वो चेंज हो चुका है, यहां से हटा दिया गया है भाई, रिमूव कर दिया उसको। यहां पर मैं इस पर टैप करता हूं भाई, जस्ट वेट, वीडियो थोड़ी सी लंबी ना हो जाए भाई, तो वीडियो पूरी वॉच कर लेना। होम स्क्रीन इफेक्ट यहां पर देखो, ऑप्टिमाइज द होम स्क्रीन एडिटिंग फंक्शनिंग, होम स्क्रीन डिस्प्ले इफेक्ट, ऑप्टिमाइज द डिस्प्ले ऑफ बैकग्राउंड प्रोसेस, ये क्या चीज है फ्रेंड्स। जैसे ही आप अपने डिवाइस को भाई अनलॉक आप करोगे तो आपको
अनलॉक करते ही पता लग जाएगा भाई डिवाइस के अंदर होम स्क्रीन चेंज है, यहाँ पर लॉक स्क्रीन चेंज है, डायनेमिक इफेक्ट भाई यहाँ पर, ये जो स्क्रीन का डायनेमिक इफेक्ट है, कैमरे में आप शायद नहीं कैच कर, कैमरा शायद नहीं कैच कर पा रहा, तो सब कुछ चेंज कर दिया गया है भाई। डिवाइस ऑन होता ही भाई आपको लग जाएगा कि एंड्रॉइड 11 हाँ भाई डिवाइस के अंदर आया, डायनेमिक इफेक्ट हो चुका है, काफी स्मूथ टच हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छे से वर्क करती है, कोई इशू नहीं है भाई अपडेट के अंदर, बहुत ही जबरदस्त अपडेट है। और भाई कोई लैगिंग का इशू नहीं मिला, काफी देर से यूज कर रहा हूँ, कोई लैगिंग नहीं है। बाकी भाई आप देखो फीचर्स क्या चेंज हुए, शॉर्टकट पैनल चेंज हो चुका है भाई, यहां पर आप देख सकते हैं शॉर्टकट पैनल टोटल एंड्रॉइड 11 आ चुका है भाई। जितनी भी शेड्स है ना इसके अंदर, जैसे यहाँ पर ये शेड्स वगैरह आप देखते हैं, वॉल्यूम पैनल्स वगैरह, बाकी आइकन्स की शेड वगैरह, वो व्हाइट हो चुकी है भाई, काफी अच्छा लग रहा है भाई, एंड्रॉइड 11 लग रहा है भाई डिवाइस के अंदर आ चुका है, बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है भाई, कोई इशू नहीं है, बहुत ही जबरदस्त भाई, एक नंबर भाई। बाकी अगर बात की जाए भाई ऊपर जो हमारा हमें मेन्यू पैनल मिलता है, मैसेजेस वगैरह जहां पे मिलते हैं, वो भी टोटली एंड्रॉइड 11 हो चुका है भाई। यहां पर आपको एक सेटिंग का आइकन मिलता है, एंड देन यहां पर आपको, यहां पर जो वीवो का स्टोर शायद उसका ये शाइन है, यहां पर टैप करोगे भाई सीधा आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। यहां पर आप देख सकते हैं काफी चेंज कर दिया है भाई। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं शॉर्टकट पैनल चेंज हो चुका है। बाकी भाई यहां पर वेदरिंग के अंदर भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की गई है, जो कि वेदर ऐप है भाई। यहां पर मैंने एक चीज तो आपको पहले ही बता दी भाई, यहां पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे की तरफ आप स्मार्ट मिररिंग ऑप्टिमाइज द रूल्स ऑफ शॉर्टिंग वीडियो, स्मार्ट मिररिंग एंड शॉर्ट वीडियोस के अंदर आपको ऑप्टिमाइजेशन किया गया है, जो कि मैंने आपको सेटिंग के अंदर ऑलरेडी दिखाया था, वो कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग्स का लेआउट टोटली चेंज, आइकन पैक्स चेंज भाई। यहां पर अदर मोर कनेक्शनिटी में यहां पर स्मार्ट मिररिंग के अंदर आप जाओगे तो यहां पर भाई आप वीडियो मिररिंग, इमेज मिररिंग, मैंने आपको बता दिया आपको फंक्शन मिल चुका है, जो कि काफी एक दमदार बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहां पर आपको ओटीजी का फंक्शन, सारे फंक्शन मतलब एक ही के अंदर कर दिए गए हैं यहां पर कुछ रोल के हिसाब से। बाकी आप देख सकते हैं यहां पर भाई, यहां पर वेदर के यहाँ पर लिखा गया ऑप्टिमाइजेशन की गई है। यहां पर भाई आप देख सकते हैं वेदर ऑप्टिमाइज द इन्फॉर्मेशन लेआउट एंड बटन पोजिशन ऑफ वेदर होम पेज, ऑप्टिमाइज द इन्फॉर्मेशन लेआउट ऑफ परसेंटेज फॉरकास्ट एंटरिंग डिटेल पेज। यहां पर वेदर ऐप के अंदर भी काफी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की गई है, आप चेकआउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है भाई। यहां पर आप देख सकते थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसके अंदर भी, ऑप्टिमाइजेशन की गई है वो की काफी अच्छी बात है, एक बार आप चेकआउट कर लेना। बाकी भाई वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ी जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूं। बाकी भाई ओवरऑल जो अपडेट की परसेंटेज की अगर मैं बात करूं भाई, 100% देना चाहूंगा, बहुत ही बढ़िया काम किया है भाई वीवो ने, बहुत ही जबरदस्त अपडेट रोल आउट किया है भाई, मजा आ गया भाई, पूछो मत। पैचेस को इम्प्रूव करिएगा, डायनेमिक इफेक्ट भाई, ऑप्टिमाइज द एनिमेशन और डिलीटिंग कार्ड इन टू बैकग्राउंड अलाउ और जस्ट कार्ड टू ग्रेटली फिल द गैप व्हेन स्वाइप अप डिलीट टू अ कार्ड, कुछ भी आप डिलीट करोगे तो ऑटोमेटिकली स्पेस आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड इफेक्ट्स वगैरह भी आपको मिले हैं, जस्ट अवेट। यहां पर मेन आती है भाई वॉल्यूम पैनल बार, वॉल्यूम पैनल बार टोटली चेंज भाई, आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 11 वॉल्यूम पैनल बार, वो देखने में भाई काफी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम पैनल बार टोटली चेंज किया गया है भाई, यहां पर आप देख सकते हैं काफी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की गई है इसके अंदर भी। तो चलिए अब सेटिंग के अंदर चलते हैं भाई, कुछ साउंड्स वगैरह चेक करते हैं एक बार। यहां पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, जो फंक्शन आपको नए नए मिले हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। साउंड्स के अंदर चलते हैं, यहां पर साउंड्स का लेआउट भी आपको थोड़ा चेंज मिलेगा भाई, आप देख सकते हैं भाई काफी फंक्शनिंग, टच साउंड ये तो पहले भी था पर ऑप्टिमाइजेशन की गई है भाई। बाकी इसके अंदर देखते हैं भाई साउंड, यहां पर हमें मैसेज टोन्स वगैरह, ये तो पहले भी थी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई कुछ अगर साउंड्स वगैरह भी चेंज हुई है वो देखो मेरे को नहीं पता भाई, क्योंकि मैं साउंड्स वगैरह इतना नहीं चेक करता भाई, ये साउंड्स हमें नहीं मिली है या पुराने वाली है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे ये नहीं पता भाई इसके अंदर कोई ट्यून्स भी नहीं आई है या नहीं आई, क्योंकि इतना खास मैं ध्यान नहीं देता। बाकी डायलिंग पैड की बात की जाए, यहां पर क्लासिक कर देते हैं, यहां पर भाई फंक्शनिंग आप चेक कर सकते हैं, ईयरफोन साउंड्स का ऑप्शन भी आपको मिल चुका है, ईयर कस्टमाइज्ड साउंड इफेक्ट्स का फीचर आपको मिल चुका है भाई, बहुत से नए फीचर्स मिले हैं, मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा भी कौन कौन से फीचर नए। फंक्शनिंग वही है थोड़ा सा, मतलब सेटिंग रूल के हिसाब से इसको कर दिया है, मतलब एडजस्ट कर दिया काफी अच्छे तरीके से। तो बाकी ओवरऑल अपडेट की बात की जाए भाई, एक नंबर अपडेट, मजा आ गया भाई, एंड्रॉइड 11 का अपडेट फाइनली रोल आउट हो चुका है, मार्च का एंड तक का वेट कर लो आपको भी मिल जाएगा भाई, टेंशन नहीं है।
तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए भाई। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब, यार व्लॉग चैनल का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अभी वीडियो नहीं आई है, रेगुलर आपको फनी वीडियोस मिलेंगी भाई, काफी अच्छे व्लॉग आपको मिलेंगे, तो उसको भी सब्सक्राइब कर दो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए भाई इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।